दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बिल पे कैसे करें, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे करें। दोस्तों अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है जैसे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड, इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, कोई भी क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का, और दोस्तों अगर आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं तो उसका बिल पेमेंट भी करना होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दो तरीका बताने वाले हैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने का, जहाँ पर दोस्तों आपको कैशबैक भी मिलेगा। क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कब करना होता है, कितना करना होता है, ड्यू डेट क्या है, सारा कुछ बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने के लिए पहला तरीका, जिसमें दोस्तों आपको जो है एक्सिस मोबाइल ऐप के थ्रू क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना है। एक्सिस मोबाइल ऐप को आप ओपन करेंगे, उसके बाद लॉग इन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉग इन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एम पिन डालने के लिए बोला जाएगा, यहाँ पर आपको एम पिन डाल देना है। एम पिन डालने के बाद कुछ इस तरह एक्सिस मोबाइल ऐप ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड शो करेगा, जैसे हमारा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। अभी आपके एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में कितना लिमिट अवेलेबल है यहाँ पर शो करेगा, जैसे हमारे क्रेडिट कार्ड में 57,403.93 अवेलेबल है। अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। दोस्तों जब आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा तो करंट स्टेटमेंट यहाँ पर शो करेगा, जिसमें यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लास्ट बिल ड्यू शो करेगा और मिनिमम ड्यू शो करेगा और यहाँ पर ड्यू डेट शो करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो लास्ट बिल ड्यू शो कर रहा है ये टोटल अमाउंट ड्यू होता है, इसी को आपको पेमेंट करना है। ये मिनिमम ड्यू आपको कभी भी पेमेंट नहीं करना है, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारा चार्जेज लग जाएगा। और पेमेंट दोस्तों यहाँ पर जो डेट लिखा है इस डेट से पहले करना है, जैसे यहाँ पर 30 अप्रैल बताया जा रहा है, 30 अप्रैल से पहले आपको टोटल अमाउंट ड्यू पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ पर पेमेंट करेंगे। बट दोस्तों अगर आपका एक्सिस बैंक में सिर्फ क्रेडिट कार्ड होगा, अकाउंट नहीं होगा, तो दोस्तों यहाँ पर पे नाउ वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, होम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे स्क्रॉल करेंगे, पेमेंट्स में आपको एक ऑप्शन शो करेगा पे माई ड्यूज का, पे माई ड्यूज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड शो करेगा, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर टोटल ड्यू शो करेगा और यहाँ पर मिनिमम ड्यू शो करेगा और यहाँ पर ड्यू डेट शो करेगा। दोस्तों यहाँ पर जो ड्यू डेट होता है इससे पहले पहले आपको टोटल अमाउंट ड्यू पेमेंट करना है। और यहाँ पर दोस्तों आप अदर अमाउंट भी क्लिक करके अदर अमाउंट भी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों नीचे स्क्रॉल करेंगे फिर यहाँ पर देखेंगे पेमेंट ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट होगा तो आप एक्सिस बैंक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके पेमेंट करेंगे, अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर अदर बैंक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, पर कंफर्मेशन आ जाएगा, नीचे आपको स्क्रॉल करना है, फिर यहाँ पर देख सकते हैं कंफर्म ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट मेथड आ जाएगा, जहाँ पर दोस्तों आप डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। जिससे यहाँ पर आप पेमेंट करेंगे तो आपका एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो जाएगा, और इसमें दोस्तों मैक्सिमम जो है 48 आवर्स का टाइम लग सकता है। बट दोस्तों अगर आप इस तरीके से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करके कैशबैक लेना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको क्रेड ऐप का यूज करना होगा। सबसे पहले आपको क्रेड ऐप को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक से क्रेड ऐप को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो है 250 रुपया का कैशबैक मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसमें मोबाइल नंबर से लॉग इन कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रेडिट कार्ड्स का, तो आपको क्रेडिट कार्ड्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैनेज कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा एड कार्ड का, एड कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का नंबर डालना है, फिर यहाँ पर नाम डालना है जिसके नाम से क्रेडिट कार्ड है, उसके बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है, सीवीवी कोड डाल करके यहाँ पर क्रेडिट कार्ड को एड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से आपका एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड एड हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप और भी बैंक का क्रेडिट कार्ड को एड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मैंने SBI का भी क्रेडिट कार्ड को एड किया, HDFC का क्रेडिट कार्ड एड किया, ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड एड किया। तो यहाँ पर आप मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को एड कर सकते हैं। जब दोस्तों आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टोटल ड्यू शो करेगा और दोस्तों यहाँ पर ड्यू डेट भी शो करेगा, जिससे यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 दिन में ड्यू डेट है, ड्यू डेट से पहले पहले क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना। दोस्तों क्रेडिट कार्ड का बिल कब जनरेट होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट डेज यहाँ पर शो करेगा, जिससे यहाँ पर बताया जा रहा है नेक्स्ट जो है 13 दिन में क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने के लिए पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है पे टोटल का ऑप्शन मिलेगा, पे मिनिमम का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर देख सकते हैं एंटर अदर अमाउंट का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों हम जो है टोटल अमाउंट ड्यू पेमेंट करेंगे ताकि दोस्तों कोई भी चार्ज ना लगे, पे टोटल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस ऐप से दोस्तों जब आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो कैशबैक मिलता है वह कैशबैक दोस्तों आपको
यहाँ पर शो करेगा। इस कैशबैक का यूज करके दोस्तों क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं यूज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो आप बिल पेमेंट करेंगे ये जो अमाउंट है माइनस हो जाएगा। इस कैशबैक को हम बाद में यूज करेंगे। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं व्यू ऑल का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट पेज आ जाएगा। आप दोस्तों यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम फोन पे के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। फोन पे को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फोन पे में बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, जिस बैंक अकाउंट से पेमेंट करना है पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यूपीआई पिन डालेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। जिससे दोस्तों यहाँ पर आप पेमेंट कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको वेट करना है। पेमेंट जो है सक्सेसफुल लिखा आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों विन कैशबैक का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ विन कैशबैक अप टू 1000 रुपया एवरी डे, यानी दोस्तों यहाँ पर आप जो है क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करके डेली का जो है 1000 रुपया कैशबैक जीत सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्पिन करने का ऑप्शन मिलेगा, स्पिन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप स्पिन करेंगे तो यहाँ पर आपको कैशबैक मिलेगा कुछ इस तरह से। स्टार्टिंग में दोस्तों जब आप इस ऐप से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा कैशबैक देता है, जैसे 1500, 200 करके। तो दोस्तों आप जो इस ऐप से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करके भी कैशबैक ले सकते हैं। जबकि दोस्तों दूसरे जगह से अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे तो आपको कुछ भी कैशबैक नहीं मिलेगा। और दोस्तों जैसे आप इस ऐप से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करेंगे तो इंस्टेंट जो आपके क्रेडिट कार्ड में पैसा आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज भी आ चुका है कि हमारा क्रेडिट कार्ड में पैसा रिसीव हो गया। आप दोस्तों एक्सिस मोबाइल ऐप को दोबारा से ओपन करेंगे, क्रेडिट कार्ड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आपका क्रेडिट कार्ड का अवेलेबल लिमिट जो है इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने जो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट किया है यहाँ पर रिसीव हो चुका है, देख सकते हैं। दोस्तों इस ऐप से मैंने जो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करके बहुत सारा कैशबैक विन किया है। यहाँ पर देख सकते हैं रिवार्ड्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कैशबैक जो आप विन करेंगे यहाँ पर शो करेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कैशबैक मैंने जो इस ऐप से 53,233 रुपया अर्न किया। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकते हैं और कैशबैक ले सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।